रांची में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं और उनके आगमन को लेकर तमाम बीजेपी के छोटे बड़े जो नेता हैं पूरी तरह से उत्साहित हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी हैं। सर, भैया कितना महत्वपूर्ण दिन है? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज के दिन भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का आगमन झारखंड की धरती भगवान बिरसा मुंडा जी की पावन धरती पे हो रहा है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता में काफ़ी उत्साह का माहौल है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अंतिम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति के बारे में जो काम किया है, चिंता किया है, इसलिए हर गरीब व्यक्ति, हर किसान, हर मजदूर, हर वर्ग के लोग आज दिल से दुआ आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और जेपी नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी को देने का लोग काम करते हैं। झारखंड में किन बातों का संकल्प लेने की बात हो रही है? झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार ये कह रही है कि बाबूलाल जी का जो संकल्प यात्रा था पूरी तरह से एक फ्लॉप शो था, तो किन बातों का संकल्प? झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने गिरिबान में झांकना चाहिए, चूँकि इस राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने 2000 में किया था और जिस प्रकार से चार वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने जो दुर्दशा बना के इस राज्य के लोगों को रखा है, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादा, बड़ा बड़ा घोषणा करके 2019 के चुनाव के पहले लोगों से वोट बटोरने का काम किया था, इन्हीं लोगों ने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं दे पाए तो डिग्री वालों को 5,000 और एमए वालों को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। कितने लोगों को रोज़गार मिला, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिली, इन्हीं लोगों ने कहा था कि हम किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे, इन्हीं लोगों ने कहा था कि हम किसानों का ऋण माफ़ करने का काम करेंगे, इन्हीं लोगों ने कहा था कि विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। आज झारखंड को 20 चौराहे पर लाकर खड़ा करने का काम किया है और अपने परिवार, अपने वंश के तिजोरियों का भरने का काम इन तीनों दल के लोग करने का काम कर रहे हैं और झारखंड की जो गाढ़ी कमाई है पदाधिकारियों के माध्यम से उनसे वसूलने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रांची आगमन होने वाला है नवंबर में 15 तारीख को, उसको लेकर किस तरह से रणनीति बन रही है और उनका आगमन कितना महत्वपूर्ण? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर यदि झारखंड में उनका आगमन होता है तो हम सबों के लिए सौभाग्य का विषय होगा कि आज के दिन में देश ने, दुनिया के लोग बहुत आशा भरी निगाहों से नरेंद्र मोदी जी को देखने का काम कर रही है और वैसे महापुरुष का झारखंड की धरती पर आगमन 15 तारीख होगा तो झारखंड की धरती धन्य होगी, झारखंड के लोग धन्य होंगे और झारखंड के लोग लाखों लाख की संख्या में उनका अगवानी करने का काम करेंगे। लेकिन जो बिरसा का जो गांव उलिहातू है वहाँ उनके जो परिजनों ने कई तरह की गुहार लगाई है, अब पीने की पानी प्रॉपर नहीं है, बिजली की समस्या है और वो एक शहीद का आदर्श गांव आप लोगों ने पहले ही घोषित किया। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 2014 से पहले वहाँ जाने की जो सड़क थी जीर्ण सीन अवस्था में सड़क थी, वहाँ पर आज सड़क चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई है और जितना बन पड़ा है वो सुविधा भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है और थोड़ी मोड़ी कोई कमी भी रह गई होगी तो उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक अभी NCERT में भारत और इंडिया को लेकर जो मामला चल रहा है कि इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा, ये इसको कैसे देखते हैं? वो भारत था, भारत है और भारत रहेगा। इस प्रकार का भारत के नाम पर जिन लोगों को आपत्ति है उनको भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। तो ये देखिए, हमारे साथ आदित्य साहू थे, राज्यसभा सांसद, काफ़ी उत्साहित हैं कि जेपी नड्डा का आगमन होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री भी रांची आएंगे, तो बीजेपी के लिए आज का दिन बड़ा दिन माना जा रहा है और बीजेपी दफ्तर में तमाम जो बड़े नेता हैं एक बड़ी बैठक भी चल रही है और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम लोग रणनीति बनाने में जुटे हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।